गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के सेशन में आपका वेलकम करते हैं। आज एक स्पेशल सेशन है दोस्तों। आज हमारे नॉर्थ के जो रीजनल हेड हैं, जो कि बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही विजनरी हैं दोस्तों, और बहुत ही पैशनेट हैं दोस्तों मोदीगर को लेकर और सारे कंसल्टेंट की ग्रोथ को लेकर, आज वो स्पेशल आए हुए हैं। उनका जो स्केड्यूल है बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर हमने स्पेशल उनको आज इनवाइट किया दोस्तों, स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। आज बहुत कुछ आपको नई चीजें पता लगेंगी, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो सकती है, जिससे आपके चेक बहुत बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन उनको इन्वाइट करने से पहले एक और पर्सनैलिटी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो हमारे रीजन के पंजाब, हरियाणा, J&K, हिमाचल के हेड हैं और हमारे रीजनल मैनेजर हैं। ही इज वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ उनको कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आर स्टेट लेवल मैनेजर मिस्टर हरीश शर्मा जी, आर ASM हरीश शर्मा जी। थैंक यू मुनीश सर, थैंक यू सो मच। और जब भी मैं आपके स्टेज पर आता हूँ या जब भी आप मुझे मौका देते हैं अपनी टीम से रूबरू होने का, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो टीम है वो चैंपियनों की टीम है, ये टीम विजेताओं की टीम है। क्योंकि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चैलेंजेस किसी भी तरह के हों, ये टीम हमेशा आगे दौड़ने में बिलीव करती है और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करती है। तो वंस अगेन मुनीश सर, थैंक यू सो मच आज इस मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और तेजी से मोदीगेट बिजनेस को, अपने मोदीगेट बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रहे होंगे। अभी मुनीश सर ने एक पर्सनालिटी के बारे में बात की है। वो पर्सनालिटी सचमुच मैग्नेट जिस तरीके से होता है ना, तो मैग्नेट के जब हम सेंटर में रख लेते हैं, वो क्या करता है, वो अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। तो वो पर्सनालिटी जिनको आज हम बुलाने वाले हैं, वो भी इसी तरह की पर्सनालिटी है। किस तरीके से आप सक्सेस को पा सकते हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजिक बनानी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस में सफल हो पाए, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बट यस, कहते हैं जब ऐसी पर्सनालिटी से मिलना हो तो कुछ समय तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पर्सनालिटी खास है और जो खास लोग होते हैं उनके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। और मोदी केयर ने, मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए जून मंथ बेहतर बनाने के लिए, अगर आप मुनीश सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि हमेशा आपकी तरक्की, आपको आगे बढ़ाने के लिए मोदी केयर हमेशा नए नए इनिशिएटिव लेता है, और जून मंथ भी उनमें से एक है जिसमें सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपको ज्यादा आजादी देने के लिए, आपको ज्यादा रोकड़ा देने के लिए मोदी केयर मैनेजमेंट ने जून मंथ में अगेन कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी उनको बुलेट पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जिस पर्सनैलिटी को हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिनके विचारों को सुनकर हम अपनी बिजनेस की स्पीड को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। सो जस्ट वेट। मोदी केयर मैनेजमेंट ने एक नया अवतार, एक न्यू अवतार में लॉयल्टी एक्सप्रेस आपके सामने रखी है। लॉयल्टी आप सब जानते हैं, एक्सप्रेस यानी कि स्पीड। आपकी बिजनेस की स्पीड बढ़ाने के लिए मोदी केयर ने लॉयल्टी एक्सप्रेस नाम की एक नई लॉयल्टी निकाल दी। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले हम सब जानते हैं कि इस टाइम कोविड की सिचुएशन है, इसके बावजूद मोदी केयर मैनेजमेंट ने आपके बारे में सोचा और जो लॉयल्टी, मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट रखा है वो 1800 रुपीज रखा है। और अभी भी अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो हम सबसे लोएस्ट पे हैं। यानी कि हमारा इरादा क्या है, मोदी केयर परिवार बड़ा हो, और जब बड़ा हो तो अपनों के साथ बड़ा हो और हर एक व्यक्ति लॉयल्टी करे, इसलिए मिनिमम अमाउंट 1800 रुपए रखा है।
यानी कि ज्यादा लोग हमारे साथ आए। दूसरा चीज, जब ज्यादा लोग हमारे साथ आएंगे तो उनको ज्यादा देर हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ चलेंगे तभी तो दौड़ेंगे, तो उनको फास्टेस्ट रिवॉर्ड देने के लिए भी मोदी केयर मैनेजमेंट ने क्या किया है, अब 2 महीने की लॉयल्टी भी है। भाई पहले क्या होता था, हम लॉयल्टी करते थे, लॉयल्टी करते करते किसी भी कारणवश किसी की लॉयल्टी टूट जाए तो हमारे पास लीडर्स का फोन आता था या कंसल्टेंट का फोन आता था, सर आप ASM है कुछ करिए, हमारी लॉयल्टी स्टार्ट कीजिए। तो हमारे होठों पे इसी तरीके से स्माइल आ जाती है जैसे अभी हमारी स्क्रीन पर आ रही होगी आपके, और दोनों हाथ जोड़ के हम बोलते थे सर सॉरी, मैं और सब कुछ कर दूंगा, लॉयल्टी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो लीडर भी अपनी कंसल्टेंट को, अपनी डाउनलाइन को यही बोलता था, सॉरी मैडम मैं लॉयल्टी नहीं कर पाऊंगा आपके आगे एक्सटेंड। इस सिचुएशन में क्या होता था, इस सिचुएशन में ये होता था जो हमारा कंसल्टेंट है जो हमारे साथ चलना चाहता था बट किसी भी कारण उसकी लॉयल्टी टूट गई, वो डिसहार्टेड हो गया क्योंकि हमने उसका साथ ही नहीं दे पाए। हम वो डिसहार्टेड होके या तो अगला ऑर्डर नहीं डालता था या फिर अपलाइन को या डाउनलाइन को या डीपी ऑनर को या ASM को या सिस्टम को से नाराजगी होके बैठ जाता था, और हमारे पास भी कोई शब्द नहीं होते थे कि हम सामने जाकर उसको कुछ बोल पाए, क्योंकि अगर हमें पता था अगर हम उसे कॉल करेंगे या उसके घर जाएंगे वो सीधा पहले लॉयल्टी का रोना धोना लेके बैठ जाएगा। और जिस तरीके से हर महीना 3 लाख लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि भाई मोदी केयर में आजादी मिलती है, मोदी केयर में रोकड़ा मिलता है, मोदी केयर में सक्सेस मिलती है। तो मोदी केयर मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी लॉयल्टी अगर चला रहा है और किसी कारणवश की लॉयल्टी टूट भी जाए तो हम उसको 2 महीने की लॉयल्टी दे देंगे। भाई अगर 1 महीने का ऑर्डर डाला, 2 महीने का ऑर्डर डाला, 3 महीने हम वेट करेंगे, आप भी कॉल करेंगे अपनी डाउनलाइन को, मैं भी कॉल करूंगा कि सर 3रा महीना आपका रहता है आप ऑर्डर डालिए, नहीं डाला कोई भी रीजन हो सकता है, कोविड का टाइम है, कोई भी रीजन हो सकता है। हम 4th महीने उसको कॉल करेंगे, मैडम मैंने और सर मैंने आपको बोला था कि आपकी लॉयल्टी जो है आप कंप्लीट कीजिए टूट जाएगी, बट घबराने की बात नहीं है, आपका 2 महीने का लॉयल्टी कूपन बना हुआ है, आइए अपना ये DP एड्रेस पे पहुंचेगा, मैं आपका लॉयल्टी कूपन क्रिएट करवा दिया, आप उसको रिडीम करा लीजिएगा। अब जब वो अपना लॉयल्टी पॉइंट लॉयल्टी कूपन रिडीम कराएगा, मैं साथ ही बोलूंगा मैडम 1800 रुपए का एक ऑर्डर और डाल दो या 2500 रुपए का एक ऑर्डर और डाल दो, यहीं से अपनी लॉयल्टी स्टार्ट कर दो। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी का फायदा सोचते हैं, सामने से शब्द क्या मिलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी लॉयल्टी कंटिन्यू रखी। तो मोदी केयर मैनेजमेंट ने हमें ये मौका दिया है कि हम अब अपने लोगों को दोबारा से सिस्टम के साथ चला पाएंगे। सॉरी वर्ड नहीं बोलना पड़ेगा अब हमें, अब हम बोलेंगे जी आपके पास अपॉर्चुनिटी खड़ी है, आपके पास 4 महीने कोई व्यक्ति अगर लॉयल्टी चलाता है, पांचवे मंथ नहीं करता, 30 डेज वेट करेंगे कोई बात नहीं, 6 मंथ अगेन उसका लॉयल्टी कूपन क्रिएट हो जाएगा। हम बोलेंगे सर आइए अपना लॉयल्टी रिडीम कराइए और अपनी लैक्स लॉयल्टी स्टार्ट कीजिए। हमें भी कभी भी अपने कंसल्टेंट से, अपनी डाउनलाइन से नजरें नहीं चुरानी पड़ेंगी, हम आगे से बढ़कर उनसे बात करेंगे। अब आगे जब हम थोड़ा सा पीछे कदम लेकर बात करते थे, अब हम आगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपने लीडर से बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा मेरे नंबर ऑफ कंसल्टेंट बढ़ जाएंगे, लॉयल्टी करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और मोदी केयर में जो लॉयल्टी है वो क्या है, वो लोगों को जोड़ने का, मोदी के परिवार को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास। जब 6 महीने की लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी तो हम पहले भी करते थे 6 महीने की, पर जब हम 6 महीने की लॉयल्टी करते थे हमारा जो 6 महीने का एवरेज होता था हमें वो एवरेज मिल जाता था, और उसकी भी मैक्सिमम कैपिंग थी 5000। पर मैंने आपको बताया है कि अब ये मोदी केयर परिवार है और मोदी केयर मैनेजमेंट हमेशा अपने कंसल्टेंट के पॉकेट में कैसे ज्यादा आजादी डाले, कैसे ज्यादा रोकड़ा डाले उसके बारे में सोचती है, और वो ऊपर से लेकर नीचे तक सबके बारे में सोचती है, चाहे वो फिर नया हो चाहे फिर पुराना हो। अब अगर कोई 6 महीने की लॉयल्टी करेगा तो उसको जो उसका एवरेज बनता है उस एवरेज का 120% लॉयल्टी देगी, यानी कि ज्यादा लॉयल्टी देगी। अब पहले 100% मिलता था, 120% मिलेगा। तो ये इस तरीके से मोदी केयर ने
लॉयल्टी की रूपरेखा चेंज कर दी है। और हमेशा जब भी मोदी के मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, ये साबित हुआ है कि वो डिसीजन हमेशा कंसल्टेंट्स के फेवर में रहा है। उस डिसीजन से कंसल्टेंट्स के जो पॉकेट में है ज्यादा आजादी आई है, ज्यादा पैसा आया है। मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी, डॉक्टर शक्ति जी, गुरमेल सर, विवेक सर हमारे साथ इस टाइम ऑनलाइन है और वो जानते हैं कि 2015 में मोदी केयर परिवार कितना था और आज 2021 में मोदी केयर परिवार कितना बड़ा हो गया है। और इन 5 से 6 सालों में मोदी केयर ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और जो भी चेंजेस किए हैं वो अपने कंसल्टेंट्स की आजादी बढ़ाने के लिए किए हैं और ये हर बार प्रूफ हुआ है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो आप इसको फील्ड में लेके जाइए, एग्रेसिवली लेके जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाइए, क्योंकि मोदी केयर ने आपको एक बेहतरीन टूल बना के दिया है। एफएसपी धमाका, जून मंथ, जून का जुनून, एफएसपी, जो भी लोग मई 2021 तक जिन्होंने अभी तक 10% लेवल हिट नहीं किया था, मई 2021 तक जिन्होंने भी 10% लेवल हिट नहीं किया था, उन सब के पास मौका है कि वो जून मंथ में एफएसपी का बेनिफिट ले सकते हैं, इस धमाका का बेनिफिट ले सकते हैं। धमाका का बेनिफिट लेने के क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल मंथ में यानी कि जून मंथ में अपनी सिंगल आईडी पर 6480 ग्रुप बीबी करना है। जैसे ही आप 6080 ग्रुप बीबी करेंगे आप फास्ट आर्ट कंसल्टेंट बन जाएंगे और फास्ट आर्ट कंसल्टेंट बनते ही आपको ₹1200 का कूपन मिलेगा, जहां पहले 778 मिलता था, पर जून में एफएसपी बनने से आपको ₹1200 का कूपन मिलेगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैं फिर बार बार कहता हूं कि एफएसपी पूरे मोदी केयर के टेन्योर में आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिले उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आई है मेरे पास। तो आगे बढ़कर उसको हासिल करना चाहिए, अपलाइन को पूछना चाहिए जी एफएसपी कैसे मिलेगा मुझे बताइए, क्योंकि एफएसपी आपके कई दरवाजे खोल देता है, आपको सेल्फ यूजर तो बनाता ही है, आपको मौका देता ही है, पर साथ ही साथ आपको एक छोटा सा किटी प्रोडक्ट्स की मिल जाती है जिसके थ्रू आप डेमो के थ्रू आप और लोगों के साथ भी मोदी करके प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहां पर मोदी केयर मैनेजमेंट ने आप सबको, अभी हम 400-500 लोग हैं, आप सबके हाथ में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। अगर आप अपनी फ्रंट लाइन में 2 FSP बना देते हैं डायरेक्ट अपनी फ्रंट लाइन में, तो आपको ₹1000 के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे डीपी प्राइस के। अगर आप 3 बना देते हैं तो आपको ₹2000 के डीपी प्राइस के प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 बना देते हैं तो ₹3000 के मिलेंगे, 5 बनाएंगे तो ₹4000 के मिलेंगे, और अगर आप 6 लोग बना देते हैं आपको ₹5000 के डीपी प्रोडक्ट मिलेंगे। और मैंने इस ग्रुप में पहले भी एक बार प्रेजेंटेशन की थी 4x4 स्ट्रक्चर के ऊपर, मैंने हमेशा आपको कहा था जो चीज आसान होती है वो डुप्लीकेबल होती है, ये आसान है, डुप्लीकेबल है। सो मौका आपके पास है, आपकी ही टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फास्टेस्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, आपको उन लोगों को मदद करनी है। कैसे करेंगे आप उनको फास्ट आर्ट डायरेक्टर बनाइए, एक महीने में यानी कि जून मंथ में 86,400 ग्रुप बीबी कीजिए, वो फास्ट आर्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। भाई फास्ट आर्ट डायरेक्टर का मतलब है सीधा 4% पूल के हिस्सेदार, और ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि जब हमारा जो पहले डायरेक्टर बनता था वो सिर्फ माला पाता था, अब जो हमारा डायरेक्टर बनता है वो रोकड़ा कमाता है। सुनहरा मौका है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लक्ष्मी दरवाजे के बाहर नॉक कर रही है, आपने सिर्फ दरवाजा खोलना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 dates हैं, याद कर लीजिए, आज 8 तारीख है और हमारे पास अगले 4 दिन और हैं। 12 तारीख, मैं हमेशा कहता हूं कि जब सबके पास टीम है, सबके पास टीम है, और टीम में हर एक शख्स ऐसा है जो मोदी केयर में
इसलिए आया है ताकि वो अपने सपनों को खुली आंखों से पूरा कर सके। वो इसलिए मोदी केयर में आया है ताकि वो मोदी केयर की उसी स्पीड से भाग सके जिस तरीके से आज मुनीश चोपड़ा सर, शक्ति जी और उनकी टीम भाग रही है। So, हमने करना क्या चाहिए? मैंने ये देखना चाहिए मैं चार बकेट बना लूं, ये इस तरीके की मैं चार बकेट बना लूं, तीन बकेट बना लूं। सबसे पहले मेरी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर हर महीना अपनी आईडी में ऑर्डर डालते हैं, जो हमारी टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा टाइप के लोग होते हैं, जो हमेशा परफॉर्म करते हैं, यानी कि हर महीना ऑर्डर डालते हैं। ये मेरी टीम के पहले एक बकेट बना दिया मैंने, ए बकेट। मैं ये देखूंगा कि मेरी टीम में जब मैं पहली मीटिंग करता हूं, मैं इनको बोलूंगा कि भाई आपने सबने ऑर्डर डालना है, क्योंकि विराट कोहली भी रोहित शर्मा और शेखर धवन से ये जरूर कहता है यार आउट मत होना जल्दी, थोड़ा खेलना। वो उनको ज्यादा ज्ञान नहीं देता क्योंकि उसे पता है ये मेरी टीम के बेस्ट प्लेयर है। पर मेरी टीम बी भी है जिसको मैं बकेट टू में रखता हूं, वो लोग जो कभी कभी ऑर्डर डालते हैं या जब मैं उनसे बात करता हूं उसके बाद ऑर्डर डालते हैं। तो मुझे ज्यादा एफर्ट कहां डालना है, मुझे अपने बकेट बी में ज्यादा ऑर्डर एफर्ट डालना है। तो मैं वो टू लिस्ट बनाऊंगा कि यार मैं अब इनसे बात करूं, इनके साथ मीटिंग करूं, इनकी होम मीटिंग्स करूं, और ये लोग भी अपनी मीटिंग्स करें ताकि मैं उस मीटिंग में जाके उनको प्रमोट कर पाऊं, उनको गाइड कर पाऊं, उनको मेंटोर कर पाऊं। तीसरा है न्यू प्रोस्पेक्टिंग, ये तो मेरी तीसरी बकेट है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि 12 तारीख जून मेरी ए बकेट और बी बकेट के लोगों ने सबने ऑर्डर डाल दिया या ये नहीं डाला। ए बकेट में मैंने आपको पहले बता दिया ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता क्योंकि उसमें उस बकेट में तो मैं भी आता हूं, तो मैं तो डाल दूंगा, तो मेरे ए वाले तो सारे डाल देंगे ऑर्डर, तो एफर्ट कहां लगाना है मुझे बी बकेट में। तो मैं ये देखूंगा 12 तारीख जून तक किस कंसल्टेंट ने ऑर्डर डाला 50 पीबी से जिन्होंने कम डाला है या अभी तक नहीं डाला। मैं कोशिश करूंगा वो सारे लोग 50 पीबी से ज्यादा, 100 पीबी से कम, यानी 25% एक्स्ट्रा पीबी तो जरूर लें। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिश मैं ये करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50 पीबी कर लिया है या 100 पीबी के आसपास है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके 100 पीबी या उससे ज्यादा हो जाए, 150 पीबी हो जाए, ताकि उनको 50% एक्स्ट्रा पीबी मिले। तो ये मेरी पहली क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरा है 15 मेरे रीपर्चेज ऑफर, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब चैंपियन है इसके बारे में, आप सबको पता है इस बार तो वैसे ही बहुत अच्छी ऑफर है इसके ऊपर। सो रीपर्चेज ऑफर अगेन, ये भी एक टूल है मेरे पास एक्स्ट्रा पीबी के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा इन लोगों को भी मैं 12 तारीख में ही कवर कर लूं, ताकि जब 15 तारीख आए तो ये लोग रिपीटेशन में ऑर्डर डालें। बारी आती है 20 तारीख की, जब थर्ड जो क्लोजिंग आती है, ये सबसे बेहतरीन क्लोजिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बेहतरीन? आज हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम सबसे बेस्ट टीम बोली जाती है, वो इसीलिए बोली जाती है क्योंकि 83 में कपिल देव ने एक वर्ल्ड कप दिया था और 2007 में दोबारा हमें वर्ल्ड कप मिला था, बट इस पूरी जर्नी में हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी स्पॉन्सरिंग करना नहीं छोड़ा, स्पॉन्सरिंग लगातार करती रही। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान को विराट कोहली मिल गया, जबकि सचिन तेंदुलकर नहीं है, एमएस धोनी नहीं है, कपिल देव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विराट कोहली है। कैसे हुआ ये? क्योंकि लगातार स्पॉन्सरिंग हो रही थी। आपके पास भी 20 तारीख है 20 जून, ये जो बकेट सबसे नीचे है आपके, इस बकेट में लगातार आपकी स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए, आपके टीम में हर एक व्यक्ति इस बकेट में कॉन्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा, हम सब जानते हैं 20 तारीख को जब लास्ट डेट है, उससे पहले पहले जो मेरी टीम न्यू स्पॉन्सरिंग करेगी तो 50 पीबी से मिनिमम करना है और 100 पीबी से अगर कम करती है 50% एक्स्ट्रा पीबी मिलेगा, और अगर 100 पीबी से ऊपर करती है तो 100% एक्स्ट्रा पीबी मिलेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब ये टाइटल बढ़ेगा मतलब पैसा बढ़ेगा, रोकड़ा बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा डायरेक्टर आएंगे, ज्यादा सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, वॉल्यूम ज्यादा आएगा। सो ये तभी होगा जब आप ये इस तरीके की बकेट बनाएंगे, जब आप अपनी टीम को इस तरीके से मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, बट लोगों को ढूंढने वालों की कमी है।
बहुत सारे विराट कोहली बैठे हुए हैं अभी जो मोदी केयर में आना चाहते हैं। अभी तो हमें सिर्फ कुछ लीडर मिले हैं, अभी तो हमें एक ही मनीष चोपड़ा जी मिले हैं, एक ही डॉक्टर शक्ति जी मिले हैं, और हमारे पास तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मनीष चोपड़ा जी बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टर शक्ति जी बैठे हैं। वो कह रहे कि हमें मौका तो दीजिए, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने उनको स्पॉन्सरिंग के थ्रू मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाना है। चौथी क्लोजिंग आती है लॉयल्टी एक्सप्रेस, 25th, बेहतरीन मौका। अब जिन लोगों ने 12 तारीख को और 20 तारीख का बेनिफिट उठा लिया एक्स्ट्रा पीवी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम अपनी एलपीवी लैग कैसे बनाए। अरे भाई, बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया मोदी केयर मैनेजमेंट ने आपको। एक्स्ट्रा पीवी से बहुत सारे लोग हमारे प्रवेश कर गए हैं आपकी टीम में, और आपको पता चल गया है कि एक लेग में कितना वॉल्यूम हो गया है। जब मुझे पता चल रहा है कि मेरे एक लेग में वॉल्यूम हो रहा है और ये 80,000 पे या 70,000 पे रुक रही है, और मुझे पता है अभी 25 तारीख की लॉयल्टी आनी है, यानी कि 5 दिन और हैं, मैं उस लेग पर ज्यादा काम करूंगा ताकि वो लेग 70,000 या 80,000 से 1,00,000 पहुंच जाए और मेरी एलपीवी लेग बन जाए। पर आप वो तभी कर पाएंगे अगर आपने लोग आइडेंटिफाई किए हों, अगर आपने बकेट तैयार की हो। फिफ्थ क्लोजिंग, माशाल्लाह ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग होती है। रीजन, टाइटल क्लोज करने होते हैं हमें, अपनी एलपीवी लेग क्लोज करनी होती है हमें, और इसमें कौन सी लेग, कौन सा बकेट मेरा काम करेगा, इसमें मेरा बकेट काम करेगा ये बकेट। हमारे वो चैंपियन जो मुझे पता है कि मेरी टीम में विराट कोहली हैं, मुझे पता है ये मेरा रोहित शर्मा है, ये मेरा शिखर धवन है, ये मेरा ऋषभ पंत है। हर किसी की एक कोर टीम होती है, आपकी भी एक कोर टीम होगी, अगर नहीं है तो बनाइए, एक दिन में नहीं बनती है, समय लगता है, पर एक बार आपकी कोर टीम बन गई तो ये जो बकेट मैंने अभी आपकी फोर्थ बकेट आपकी तैयार की है, इस बकेट का काम होता है लीडर पे लीडर को डेवलप करना। एक लीडर को देख के दूसरा लीडर डेवलप होता है। जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो रोहित शर्मा जब अपोजिशन साइड पे बैठा होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं कब उस साइड पर जाऊं और मुझे बैटिंग करूं और मैं भी रोहित विराट कोहली की तरह सेंचुरी मारूं, क्योंकि एक को देख के दूसरा भी रंग बदलता है। पर ये लोग आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ये एक दिन में नहीं होता, इनको क्रिएट करना पड़ता है, पर वो तभी क्रिएट होगा जब आपने ये तीन बकेट साइड में बनाई होंगी। अगर आपको पता होगा कौन आपका 100 पीबी करता है, कौन 150 पीबी करता है, कौन 200 करता है, कौन 50 करता है, कौन आपका 2 महीने में या 3 महीने में एक बार ऑर्डर डालता है, और कितने लोग आपके हर महीने नए आ रहे हैं, ये तब होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट क्लोजिंग डेट्स, और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि जून का मंथ आपका सबसे बेहतरीन मंथ होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, मैंने जैसे आपको कहा, आज एक स्पेशल शख्स हमारे बीच में है और उन स्पेशल शख्स को सुनने के लिए हम सब मौजूद हैं यहाँ पे, और मैं आप सबको उम्मीद, और मेरी उम्मीद है आप सभी से कि जब वो बता रहे होंगे तो प्लीज अपने डायरी पेन अपने नजदीक रखिएगा, एक एक शब्द मोती की तरह है। अगर आप उनको धागों में फिरेदोगे तो वो मोतियों की माला बन जाएगी। एक्सपीरियंस है, डायनेमिक है, जानते हैं कि किसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके और उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे रीजनल सेल्स हेड, अ डायनेमिक पर्सनालिटी, अ स्मार्ट पर्सन, एक्सपीरियंस्ड मिस्टर दुष्यंत आशी सर को। तो सर, इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू हरीश जी, नमस्ते, गुड मोदी के मॉर्निंग, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पंजाब के सभी शेर, टाइगर, टाइग्रेस, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये मेरे बारे में जो बोला जा रहा है, मैं जानता हूँ जब मैं पंजाब में आता हूँ तो शब्दों को मैं सीरियस लेता नहीं हूँ, आप लोग बहुत तारीफें हमेशा करते हो सबकी, और जहाँ जोश की बात होती है, जोश का दूसरा नाम मनीष चोपड़ा है, तो मैं तो भाई मैच नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद उनसे फैन हूं, मैं उनका उनसे एनर्जी लेता हूं। लेकिन पंजाब मोदी केयर के लिए केवल एक स्टेट नहीं है,
पंजाब मोदी केयर के लिए वन ऑफ द कैपिटल है, द बिजनेस कैपिटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी केयर एक बहुत अच्छे समय से गुजर रहा है। पिछले 2-3 महीने में जो आपने किया है वो ट्रिमेंडस है, वो काबिल तारीफ है। 39,000 लोगों ने गोवा के लिए रेस भरी, बहुत लोगों ने कोशिश करी, कुछ लोग मार्च में आए, अप्रैल कर गए, कुछ लोग शायद नहीं भी कर पाए, कुछ लोगों ने अप्रैल में भी किया, मई में भी किया, कुछ ने 3 महीने किया, और रिजल्ट ये आया कि अनप्रेसिडेंटेड क्वालिफायर्स आए। 20,000 से ज्यादा लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया, एंड दैट हैज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री ऑफ मोदी केयर। मुझे लगता है इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा 20,000 लोग गोवा जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए 20,000 पीपल, और अगर 20,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है जो अनप्रेसिडेंटेड है, तो नॉर्थ इंडिया में भी रैंक आया है। लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने नॉर्थ इंडिया में क्वालिफाई किया है, शायद नंबर वन पोजीशन कंट्री में होगा आपका। फाइनल रिपोर्ट अभी आना है, लेकिन ट्रेंड में बोल सकता हूं वी विल अचीव नंबर वन पोजीशन इन द कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर नॉर्थ इंडिया नंबर वन है तो पंजाब भी पीछे नहीं है। पंजाब इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर आफ्टर राजस्थान फॉर द गोवा क्वालिफिकेशन। कमाल कर दिया आप लोगों ने, सुपरबली डन, एक्सीलेंट। और जिस तरह का टीम है आपका, जिस तरह के आपके वॉरियर्स हैं, ये टीम ग्रो करनी ही करनी है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मैं आप में से काफी लोगों से परिचित हूं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में लीडरशिप में सब एडमायर करते हैं, चाहे वो मुनीश चोपड़ा जी होते हो, चाहे वो डॉक्टर शक्ति सिंह होते हो, गुरमेश साहब होते हो। ये वो लीडर है जिनको पूरा इंडिया फॉलो कर रहा है। गगन कामरा जी हैं, विवेक शर्मा जी हैं, सॉलिड लीडर, पूरी कंट्री के अंदर ब्रांड है इनका। पता है क्यों ब्रांड है? स्टेडी के बड़ा इनकम कमाते हैं, बड़ा रुपया कमाते हैं, बड़ी टीम है, टीम का हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में 5,000-6,000 क्वालिफाइड ही आ गए। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, गोवा चला गया, गोवा इज ओवर नाउ एंड द न्यू इनिंग हैज स्टार्टेड। अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया, और ये चैप्टर कैसा है, थोड़ा इसका प्रारूप को समझिए, आज के कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या है, आज संवेदनशीलता समझिए मार्केट की क्या है। हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है 78 लाख लोगों की नौकरी गई है कोरोना के दौरान। हाल ही में न्यूज़पेपर कटिंग था। हिंदुस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री और बहुत सारे बिजनेस पिछले 1.5 साल से ओपन नहीं हो पाए, 1.5 साल से खुले ही नहीं है। मैं ऐसे तमाम टीचर्स को जानता हूं जो मेरे फ्रेंड हैं, स्कूल टीचर्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं, 1.5 साल से स्कूल पढ़ाने ही नहीं गई है, अब स्कूल इनकम भी नहीं दे रहा है। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई एजुकेशन इंडस्ट्री में। हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा ब्यूटी पार्लर है, 1.5 साल से खुले नहीं है। ब्यूटिशियंस इंटेंट है काम करने का, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। हैवी इन्वेस्टमेंट करके मॉल में मैंने ऑफिस और शॉप खोला हुआ है, खुला नहीं है। तमाम बिजनेस है ऐसे। एविएशन इंडस्ट्री, आखिरी हवाई जहाज कब उड़ा था एयरपोर्ट पे, पता भी नहीं इंटरनेशनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आज परेशान हैं। कुछ लोग इनकम की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग सोशल इंगेजमेंट से भी परेशान हैं। बात ही नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, इनकम तो है ही नहीं। जब मार्केट में ये सिनेरियो होगा तो आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार प्रणाली पे आप ही लोगों को मौका दे सकते हो। इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कंसल्टेंट, लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा विकल्प है वो मोदी केयर है।
लेकिन क्या मोदी केयर में हम और आप उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? या वो लोग आज वो रिस्क ले पाएंगे हमारे साथ? ये एक बड़ा प्रश्न है। मार्केट में लोग तो बहुत घूम रहे हैं, आपके और हमारे जान पहचान के लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। हम कैसे उनके लिए रास्ता आसान कर दें, कैसे लो रिस्क बना दें, कैसे उनके लिए फन हो जाए ज्वाइन करना? ये समीर मोदी साहब ने सोचा। और जैसा कि आप जानते हैं, समीर सर एक बड़े दिल वाले इंसान हैं। हमारी और आपकी आजादी को बढ़ाने के लिए, उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए समीर सर ने अपनी जेब से पैसा डाल दिया और हमें कहा ये सीक्रेट फाइल लीजिए और ये सीक्रेट फाइल लेकर जाइए हमारे आजादी के चैंपियंस के पास और उनको बताइए उनके पास अब क्या पावर होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके पास जब मैं आया हूं तो समीर सर का एम्बेसडर बनके आया हूं और वो टॉप सीक्रेट फाइल हाथ में लेकर आया। आज ये फाइल खोलूंगा मैं आपके लिए और इस फाइल के अंदर है क्या? फाइल के अंदर कुछ सीक्रेट दस्तावेज है जो समीर सर ने आपके लिए भेजे हैं और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताएंगे कि अब आपकी इनकम, आपका रोकड़ा कैसे बढ़ेगा। आपकी इनकम और आपका रोकड़ा बढ़ाने के लिए समीर सर ने आपको एक प्रोग्राम दे दिया है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, लॉयल्टी एक्सप्रेस। लॉयल्टी एक्सप्रेस द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग लॉयल्टी एवर सीन। हिंदुस्तान में कभी ऐसी लॉयल्टी आई ही नहीं। और इसका फायदा क्या होगा? हरीश सर ने आपको बताया था कि लॉयल्टी एक्सप्रेस एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री में सबसे कम बैंड से 1800 की परचेजिंग से शुरू होता है और यहां रिवॉर्ड थोड़ा जल्दी देंगे। रिवॉर्ड 2 महीने में भी मिल सकता है 20% एवरेज, 4 महीने में मिल सकता है 60% एवरेज और 6 महीने बाद भी आप रिवॉर्ड ले सकते हो 120% एवरेज। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि 2 मंथ का एवरेज का फायदा क्या होगा, तो लोग आएंगे 2 महीने में लेकर चले जाएंगे। देखिए 2 महीने का लॉयल्टी मिलेगा जरूर और केवल उनको मिलेगा जो जून की ज्वाइनिंग होंगी, यानी जून और जुलाई में जिनको आप सिस्टम में ज्वाइन करवाएंगे उनके लिए 2 महीने का विकल्प होगा। दो महीने का विकल्प दिया क्यों गया है? देखिए पहले क्या होता था, आप लोगों के पास जाते थे, आप कहते थे आइए मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कीजिए, मोदी केयर के कस्टमर बनिए, घर का सामान लीजिए, 6 महीने आप सामान लेंगे तो 6 महीने के बाद हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। उस समय वो ठीक था, मार्केट नॉर्मल था, लेकिन आज लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, लोगों की नौकरियां नहीं है, तनख्वाहें कट रही हैं, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसे में समीर सर को और हमें लगा कि आपको ऐसा मौका दिया जाए जहां पर कन्वर्जन जल्दी हो जाए। अब आप सोचिए कितना आसान होगा लोगों को ज्वाइन करवाना। आप जाके कहेंगे आइए मोदी केयर ट्राई करिए, सिर्फ 2 महीने ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप 500 रुपए या 1000 रुपए तक का गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। केवल 2 महीने ट्राई करके मोदी केयर देखिए, आपको 1000 रुपए तक का गिफ्ट मिल सकता है। इमेजिन कीजिए 6 महीने ट्राई कीजिए गिफ्ट मिलेगा, 2 महीने ट्राई कीजिए गिफ्ट मिलेगा, ज्यादा ज्वाइनिंग कहां होंगी, ज्यादा लोग कहां जुड़ना चाहेंगे? जहां 2 महीने ट्राई कर मैं मोदी केयर समझ सकता हूं, ये 6 महीने ट्राई कर मोदी केयर समझूंगा। और हम सब जानते हैं 2 महीने का ट्राई करना आसान है, कितना आसान हो गया है। हमारे 7% 10% 13% 15% डायरेक्टर SD जो टीम बनाते हैं, जहां पर ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, जो टीम बिल्ड ज्यादा बिल्ड करते हैं, कितना आसान होगा उनके लिए बात करना कि अपने घर का सामान 2 महीने मोदी केयर से आप ले लीजिए, ट्राई करके देखिए 1000 रुपए तक का गिफ्ट आपको मिल सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोग्राम पावरफुल ज्वाइनिंग करवाएगा आपकी, बे इंतहा ज्वाइनिंग होगी। और 2 महीने अगर आप काम करवाएंगे, 2 महीने लोग ज्वाइन करेंगे
ट्राई करना आसान है, कन्वर्जन ज्यादा होगा, ज्वाइनिंग ज्यादा होगी, हम सब जानते हैं ज्यादा लोग आएंगे, तो 20% क्यों? 2 महीने और करके 3 गुना नहीं लूंगा, 60% नहीं लूंगा, 6 महीने बाद 120% नहीं लूंगा। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए लॉयल्टी एक्सप्रेस सिर्फ लॉयल्टी का काम नहीं करेगा, ओवरऑल बिजनेस बढ़ा देगा आप। क्या क्या फायदे होंगे आपको, आइए फायदे देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 2 महीने का आसान ट्राई कम रिस्क के साथ आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग हाई होगी, ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, कितना आसान पिच बन गया है। 2 महीने घर का सामान मोदी केयर का यूज करके देखिए, अच्छा नहीं लगेगा तो भी 1000 रुपया गिफ्ट आपको मिलेगा, ट्राई करके देखिए, 2 महीने का इजी ट्राई आपकी ज्वाइनिंग बढ़ा देगा, ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे तो ज्यादा लोग टिकेंगे, सभी लोग तो 20% लेकर बाहर नहीं जाएंगे, आज से तो बेहतर ही होगा, जैसा हरीश जी ने कहा था, 2 महीने में आज भी लोग जाते हैं, 4 महीने में आज भी लोग जाते हैं, अब जाएंगे तो उनको गिफ्ट मिलेगा। ये समीर सर ने एडिशनल इनकम, एडिशनल पैसा इस प्लान में डाल दिया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके, तो ज्यादा ज्वाइनिंग, 2 महीने का इजी ट्राई, ज्यादा ज्वाइनिंग, ज्यादा रिटेंशन, ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एक्टिव बेस बनेगा, ऑर्डर देने वाले लोग ज्यादा होंगे आपकी टीम में, आपकी पर्सनल परचेजिंग भी टीम की ज्यादा होगी, हाई पर्सनल परचेज होगा टीम के अंदर। और हम सब जानते हैं, अगर ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा लोग रुक के लॉयल्टी करेंगे, ज्यादा लोग खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे, बेसिक ऑर्डरिंग करेंगे, ज्यादा ज्यादा टीम में एक्टिव बेस बनेगा, परचेजिंग ज्यादा होगी, तो आपका चेक बढ़ेगा। और यही समीर सर का प्लान है, यही उनका वादा है, जो आजादी का आपको उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, और जल्दी कैसे आप अचीव करें, लॉयल्टी एक्सप्रेस आपकी उसे मदद करेगा, बड़ा चेक आपका यहां पर आएगा। और एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, हमारा बिजनेस एक फनल की तरह है, एक कीप की तरह है, कम लोग अंदर डालेंगे, कम ज्वाइनिंग होगी, कम लोग आएंगे तो कम लोग लॉयल्टी करेंगे, कम लोग ठहरेंगे, कम बिजनेस होगा, कम चेक बनेगा। लेकिन ये जो 2 महीने का इजी ट्राई ऑप्शन आ गया है, और मैं आपको फिर बता दूं, 2 महीने का ट्राई ऑप्शन जून की ज्वाइनिंग का ही है, तो जब आप ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, इजी ट्राई 2 महीने के साथ लोग आएंगे, फनल बड़ा होगा, ज्यादा लोग अंदर आएंगे, ज्यादा इनपुट होगा, ज्यादा लोग ठहरेंगे, ज्यादा लोग लॉयल्टी करेंगे, ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा। और कितना बड़ा बदलाव आ गया इस प्लान में आज आपके लिए, आइए देखते हैं। लॉयल्टी एक्सप्रेस जो जून के महीने से लॉन्च हुआ है, इससे पहले लॉयल्टी प्लस एक प्रोग्राम आपके साथ काम करता था। जब लॉयल्टी प्लस में आपकी टीम में लोग काम करते थे या आप काम करते थे, तो होता क्या था, 50 PV का बेसिक ऑर्डर करते थे, दूसरे महीने में ₹400 रिपर्चेज इकट्ठा होता था, लॉयल्टी नहीं मिलता था। थर्ड मंथ में फिर 600 हो जाता था रिपर्चेज, लॉयल्टी नहीं मिलता था। फोर्थ मंथ में 800 का रिपर्चेज आता था, लॉयल्टी नहीं मिलता था। फिफ्थ मंथ में 1000 रुपीज का रिपर्चेज मिलता था, लॉयल्टी नहीं मिलता था। और सिक्स मंथ कंप्लीट करने के बाद, 6 महीने कंप्लीट करने के बाद, जो हम सब जानते हैं कितने लोग 6 महीने क्वालिफाई करते हैं हमारी टीम, ₹2700 की लॉयल्टी और ₹1200 का रिपर्चेज, ₹3900 का गिफ्ट आइटम उनको मिलता था जो 6 महीने कंप्लीट करते थे। आज सोचिए कितना आसान हो गया है, 2 महीने की ट्राई के साथ लोग अंदर आएंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ₹400 रिपर्चेज सेकेंड मंथ में मिलेगा, ₹540 लॉयल्टी मिलेगी, ₹940 का गिफ्ट मिलेगा। फोर्थ मंथ में रीपर्चेज ₹800, ₹1620 की लॉयल्टी, ₹2420 का टोटल फायदा हो गया, ₹1620 का गेन है जो पहले नहीं मिलती थी लॉयल्टी, ये ₹1620 का फोर्थ मंथ में गिफ्ट नहीं मिलता था जो अब मिलेगा। सेकेंड मंथ में ₹940 का टोटल फायदा होगा,
540 की जो लॉयल्टी आज मिलेगी पहले नहीं मिलती थी, और जो 6 महीने कंप्लीट करेंगे जहां पहले 3,900 रुपए का फायदा होता था अब 4,440 का फायदा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या पहले लोग 2 महीना नहीं करते थे? क्या 2 महीने में पहले लोग नहीं जाते थे? क्या 4th महीने में लोग नहीं जाते थे? उनको तो लॉयल्टी नहीं मिलता था, लेकिन अब जाएंगे तो लॉयल्टी मिलेगा। यानी आपके प्रोग्राम के अंदर 2nd और 4th महीने में अगर लोग जाएंगे, वो आपके प्लान के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। समीर सर ने अपनी जेब से पैसा डाल दिया इस प्रोग्राम के अंदर, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, आपके बिजनेस को आसान करने के लिए। अब आप कॉन्फिडेंटली जाकर मार्केट में बोल सकते हैं, साहब हिंदुस्तान की अकेली कंपनी जिसका लॉयल्टी प्रोग्राम है, आप 2 महीने ट्राई करिए मोदी केयर में, 2 महीने घर का सामान लीजिए, 1,000 रुपया गिफ्ट मिल सकता है। आप इमेजिन कितनी जल्दी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और ज्यादा लोग जब ज्वाइन करेंगे तो 20% क्यों लेंगे? 2 महीने कम और करके 3×60% नहीं लेंगे? और जब 2nd महीने में ज्यादा लोग टिकेंगे, 4th महीने में ज्यादा लोग टिकेंगे, तो इवेंचुअली 6th मंथ में भी ज्यादा लोग टिकेंगे, और जब 6 महीने में 8 से ज्यादा लोग टिकेंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं 78% बिजनेस लॉयल्टी से आपका और हमारा आता है। ये मदद करेगा उन लोगों की जो बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल लोग हैं काम करने वाले, 7%, 10%, 13%, 15%, 16% डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, कितना फायदा हो गया उनका, कितना सिंपल पिच है उनके लिए काम करने के लिए, कितनी पावर आ गई उनके अंदर कि देश के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम के साथ वो काम करेंगे और कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे आइए ज्वाइन कीजिए, केवल 2 महीना मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कीजिए, पसंद नहीं आता बाहर चले जाइए, 1,000 रुपया गिफ्ट आपको मिलेगा। इजी ट्राई, ज्यादा ज्वाइनिंग। अब आइए देखते हैं इस पे आपके चेक पे क्या असर पड़ेगा। तो एक छोटी सी टीम यहां पर देखते हैं, ये टीम एसडी की टीम हो सकती है, डायरेक्टर टीम हो सकती है, ईडी हो सकते हैं, 100 लोगों की टीम। तो मान लीजिए पहले महीने में 100 लोगों ने ज्वाइन किया था, पहले 50 लोग 2nd महीने में मेंटेन करते हैं, लॉयल्टी करते हैं, 3rd मंथ में 35 लोग, और 6th महीने पहुंचते पहुंचते 25 लोग बचते हैं। 7,23,000 रुपए का आपका सेल होता है, आपका बिजनेस होता है। नए लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ क्या होगा, 100 लोग अगर आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2 महीने में आप रिवॉर्ड दे रहे हो सकता है पहले 50 लोग सिस्टम में लीक करते थे आपकी टीम में, लेकिन चूंकि 4th महीने में 3 गुना लॉयल्टी आ गया है जो पहले नहीं होता था, अब लोग 2 महीने में नहीं छोड़ना चाहेंगे। हाँ, 2 महीने के विकल्प साथ ज्वाइन ही ज्यादा होगी, 2 महीने की ट्राई करने के लिए ज्वाइन ज्यादा करेंगे आप। हम फिर भी मानते हैं कुछ कारण से हो सकता है 20% लोग 2nd महीने में छोड़ के चले जाए मोदी। 80 लोग तो टिकेंगे, आज से बेहतर तो होगा, ज्यादा टिकेंगे, और जब 80 लोग 2nd महीने में टिकेंगे तो 3rd महीने में भी ज्यादा टिकेंगे, क्योंकि 4th महीने में तो 3 गुना मिलेगा। और ऐसा करते करते 6th मंथ में जहां पहले 25 लोग टिकते थे, हम मानते हैं इस प्लान के अंदर 35 लोग टिकेंगे अब आपके साथ। अगर ऐसा होगा, जो होगा, जो जरूर होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बिजनेस जहां पहले 7,23,000 होता था 100 लोगों की ज्वाइनिंग के साथ, अब 9,63,900 होगा। लगभग 30% का बिजनेस इजाफा आपके इस प्रोग्राम के थ्रू आने वाला है, क्योंकि बेसिक मजबूत होगा, फंडामेंटल टीम आगे बढ़ेगी, 30% का ग्रोथ आपका यहां पर होगा। और अब आप कहते हैं कि साहब मेरी तो टीम बड़ी है, आज इस मीटिंग के अंदर मैं देख रहा हूं काफी लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी टीम में 10,000-20,000 ज्वाइनिंग होती है। सोचिए आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या होगा, पहले महीने में लोग आएंगे, 2nd महीने में पहले 50% लोग 2nd मंथ की लॉयल्टी करते थे, अभी 80% करेंगे, 80 लोग करेंगे, 3rd महीने में 35 करते थे, अब 60 करेंगे, क्योंकि 4th महीने में आप 3 गुना ऑफर कर रहे हो, पहले 30% 4th महीना करते थे, अब 40% करेंगे। और हम मानते हैं 6th मंथ में पहले 25% लोग टिकते थे, अभी 35 टिक जाएंगे।
अगर ऐसा हो गया और जो टीम साइज आपका बड़ा है, आपकी टीम में ज्वाइनिंग ज्यादा होती है, और जून में तो ज्वाइनिंग का ट्रेंड ही अलग चल रहा है, हम सबको मालूम है जून में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके पास ही केवल दो महीने का विकल्प होगा, और ये प्रोग्राम है भी दो महीने के लिए, जून और जुलाई के लिए, ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं और केवल जून की ज्वाइनिंग के साथ दो महीने का ऑप्शन है। तो जहां 300-400 लोग पर डे ज्वाइन कर रहे थे शुरुआती दौर में, आज 1500-2000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं पर डे आज के सिनेरियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सिनेरियो के साथ जहां पहले आपका बिजनेस 72 लाख होता था, अभी 94 लाख होगा, 30% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ, और ये होगा। और एक क्वेश्चन हमारे सबके सामने आता है, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखता हूं, आपको क्या लगता है लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम से ज्यादा लोग तो लॉयल्टी करेंगे ही, ज्यादा लोग तो टिकेंगे ही, ज्यादा लोग तो रिटेन होंगे ही। आपको लगता है कि न्यू ज्वाइनिंग इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ेगी, हां या डेफिनेटली? चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं आप। लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के साथ लोग ज्यादा रुकेंगे सिस्टम में, ये तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन इस प्रोग्राम के साथ न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा होगी, आपको क्या लगता है, हां या जरूर? मेरा आंसर अगर आप पूछे, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा डेफिनेटली, जरूर बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। और जैसा मैंने आपको कहा, जहां 300 लोग पर डे ज्वाइन करते थे, अभी 1500 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है इस प्रोग्राम में ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा होंगी? दो बड़े कारण है। पहला, ये ऑप्शन जून के लिए है, जैसा हमने आपको कहा, जून और जुलाई की न्यू ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शन रहेगा, तो चूंकि जून में प्रोग्राम आया है और हिंदुस्तान में कहीं ये प्रोग्राम नहीं है, ज्यादा ज्वाइनिंग होने ही होनी है। और दूसरा बड़ा कारण, दो महीने के ट्राई ऑप्शन के साथ ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं जून के महीने में, क्योंकि जून में ये ऑप्शन आपके पास लॉयल्टी एक्सप्रेस में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डेफिनेटली ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, और अगर ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो एक सिनेरियो और देखते हैं। मेरी छोटी टीम है, टीम अभी ग्रो कर रही है, मैं डायरेक्टर हूं, SD हूं, ED हूं, 100 लोगों की ज्वाइनिंग मेरी टीम में होती है। हमने पहले देखा 50 लोग टिकते हैं दूसरे महीने में, और फिर 35-30, 6 मंथ में 25 लोग लॉयल्टी कंप्लीट करके लॉयल्टी का पैकेज लेकर जाते थे, गिफ्ट लेकर जाते थे लॉयल्टी प्लस के अंदर। अब चूंकि इस प्रोग्राम से ट्राई करना आसान हो गया, आइए दो महीने मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अच्छा नहीं लगेगा, 1000 रुपए गिफ्ट लेकर जाइए, कौन अपने घर का राशन दो महीने का मोदी केयर का नहीं लेना चाहेगा, 1000 रुपया गिफ्ट कौन नहीं लेना चाहेगा? ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी, और ज्यादा होंगी तो जहां पहले 100 लोग ज्वाइन करते थे, अभी 120 लोग ज्वाइन करेंगे, और जब 120 लोग ज्वाइन करेंगे तो रिटेन 96 करेंगे, फिर 72 लोग थर्ड मंथ में पहुंचेंगे, चौथे महीने में 3 गुना एवरेज है, 20% से 60%, ज्यादा लोग 4 मंथ क्वालिफाई करेंगे, और रिजल्ट ये होगा कि 6 मंथ में जहां पहले 25 लोग क्वालिफाई करते थे, न्यू ज्वाइनिंग के इफेक्ट के साथ 42 लोग 6 मंथ कंप्लीट करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पहले आपका बिजनेस 7,23,600 होता था, अब 11,34,000 होगा, 40% का इजाफा। लेकिन कब होगा, कब आप इसका फायदा उठा पाएंगे? जैसा मैंने आपको कहा, यह प्रोग्राम केवल दो महीने के लिए है, जून और जुलाई के लिए। ये 40-45% का बिजनेस का फायदा तभी होगा आपको जब आप न्यू ज्वाइनिंग जून में बढ़ा देंगे, जब आप लोगों को पहुंचकर विश्वास दिलाएंगे कि हिंदुस्तान में अकेली डायरेक्ट सेल्स कंपनी है जहां केवल 2 महीने ट्राई करके घर का सामान आप 1000 रुपया गिफ्ट ले सकते हो। अगर आप इस प्रोग्राम का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, टीम रिक्रूटमेंट बढ़ा दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत लोग मार्केट में इंतजार कर रहे हैं इस ऑप्शन के लिए, आपको सिर्फ जाकर उनको मौका देना है, ये बिजनेस इजाफा आपका होगा।
और अगर आपका टीम का साइज बड़ा है, आपकी टीम में 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, तो चूंकि न्यू ज्वाइनिंग ज्यादा होंगी जून में, 2 महीने की ट्राई के साथ ज्यादा लोग आएंगे, ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी, और जब ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी 10,000 से 12,000 हो जाएगी, 80% लोग रिटेन करेंगे और 6 मंथ में 35% पहुंचेंगे। तो जहां आपका बिजनेस पहले 7 करोड़ का होता था, अभी 1 करोड़ 11 करोड़ का होगा। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमने कैलकुलेशन करके देखा जो बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, लॉयल्टी एक्सप्रेस के साथ चूंकि टीम में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और ज्यादा रिटेंशन होगा, तो जहां पहले महीने में 100 आते थे अब 120 आएंगे, पहले सेकेंड मंथ में 50 लोग मेंटेन करते थे अभी 96 करेंगे, 6 मंथ में 25 पहुंचते थे पहले महीने में अभी 42 पहुंचेंगे। सिमिलरली सेकेंड मंथ का पैटर्न होगा, थर्ड मंथ का पैटर्न होगा, 6 महीने के बाद क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होगा कि हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले महीने 20% ग्रोथ आपके बिजनेस में आएगा केवल 20% ज्वाइनिंग बढ़ाने से। सेकेंड मंथ 44% बिजनेस ग्रो करेगा, थर्ड मंथ 56%, और फाइनली 6 मंथ पर आप 57% बिजनेस ग्रोथ करेंगे। और अगर 6 महीने का मैं एवरेज बताऊं आपको, 53% का बिजनेस आपका सिर्फ इस प्रोग्राम से बढ़ जाएगा। और क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? ये पावरफुल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बॉटम टू टॉप काम करेगा। मेरा 7%, मेरा 10%, मेरा 13% कितना कॉन्फिडेंटली होकर लोगों को ज्वाइन करवाएगा। केवल 2 महीने का ट्राई करवाने के लिए मोदी केयर में इजीली लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग ग्रो करेंगे। 53% का आपका एवरेज बिजनेस बढ़ेगा इन द मंथ ऑफ 6, 6 महीने में। इंसेंटिव में आपकी टीम में 5,11,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंसेंटिव अपार्ट फ्रॉम द कमीशन 5,11,000 इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मैं और महीने में अगर अर्थ निकालूं तो पूरी टीम में जितने भी लोग काम करते हैं सबका चेक 4,200 रुपए औसतन बढ़ जाएगा। 4,200 रुपए हर किसी का चेक बढ़ेगा टीम के अंदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच अ पावरफुल प्रोग्राम। ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी अब आपके पास होगी। जून आपके लिए एक्साइटेड मंथ हो चुका है। और अगर आप डायरेक्टर हैं, आपको पीजीपीवी बिल्ड करना होता है 1250, कितना आसान है आपके लिए। अगर आपकी नॉन 16% लैग पर, आपके पीजीपीवी लैग पर 25 लोग लॉयल्टी एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करें, आपका पीजीपीवी हो जाएगा। बताइए, 25 कस्टमर चाहिए और 2 महीने की ट्राई के साथ ज्यादा कस्टमर आएंगे। जितना ज्यादा पीजीपीवी उतना ज्यादा इनकम। और हम सब जानते हैं मोदी केयर में समीर सर आपके आजादी को आसान करने के लिए बहुत सारे विकल्प आपको देते हैं, और आजादी तब मिलती है जब आप एलपीबी लैग बनाते हैं। जितना एलपीबी लैग बनाएंगे उतना बड़ा रुपया कमाएंगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉयल्टी एक्सप्रेस आपका एलपीबी लैग बिल्ड करने में भी मदद करेगा। आप एसडी हैं, ईडी हैं, एसईडी हैं, कोई भी लेवल के लीडर हैं, जिस लैग में 72 लोग लॉयल्टी एक्सप्रेस करेंगे वो लैग आपका एलपीबी लैग बन जाएगा। नाउ इमेजिन 72 पीपल विद लॉयल्टी एक्सप्रेस इन अ लैग, आपके एलपीबी लैग तैयार है। और 72 लोग एलपीबी क्वालिफाई नहीं करेंगे क्या, जहां 2 महीने के ट्राई के साथ ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि जून का विकल्प है तो जून में ज्यादा अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए सभी लोग जून में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का फायदा सबसे ज्यादा 7%, 10%, 30% को हो रहा है, वो ज्यादा ज्वाइनिंग कर रहे हैं। 72 लोग एक लैग के अंदर काम करेंगे, एलपीबी लैग बन जाएगा। इमेजिन आपकी एलपीबी लैग कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी।
कितना गुना चेक बढ़ेगा अब आपका। ये पावर है इस प्रोग्राम के अंदर, ये पावर है इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको अब नीचे से ऊपर तक करंट देगा। हमारे स्कूटर पर जाने वाले, बाइक पर जाने वाले, साइकिल पर जाने वाले, या वो लोग जिन्होंने अभी शुरुआत करी है मोदी के बिजनेस, उनको नहीं पता बहुत ज्यादा प्लान कितना आसान हो गया उनके लिए अपने दोस्त अपने पड़ोसी से जाकर बोलने के लिए, आइए 2 महीने का ट्राई कीजिए घर का सामान मोदी केयर का, 1000 रुपए गिफ्ट लेकर आपको फायदा मिल सकता है, केवल 2 महीने ट्राई करके देखिए कितनी ज्वाइनिंग टीम में आएंगे अब आपकी। दूसरे महीने में लोग एलपीबी ज्वाइन करेंगे, दूसरे महीने में 20% का ऑफर है, ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे दूसरे महीने के विकल्प के साथ, लेकिन चौथे महीने में चूंकि 3 गुना 60% एवरेज मिलेगा, ज्यादा लोग 4 मंथ भी जाएंगे। ट्राई करना आसान हो गया, रुकना आसान हो गया, ज्यादा रिवॉर्डिंग हो गया, 120% मिलेगा जहां पहले 100% मिलता था 6 महीने के बाद। और समीर सर ने उनका भी ख्याल रखा है जो मोदी केयर परिवार का हिस्सा है। अगर मई में आपका पहला महीना हुआ था लॉयल्टी का, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना हुआ था, और पांचवा या छठा महीना, या छठा महीना आप इस महीने कंप्लीट करते हैं, आपने मई में 5th मंथ किया था लॉयल्टी का, आप जून में 6th मंथ करेंगे, तो जहां आपको पहले 100% एवरेज का मिलना था, समीर सर ने अब आपको 120% देने का वादा कर दिया। मई में मेरा 5th मंथ था, मई में मेरा जून में करके मुझे 100% एवरेज मिला था, अब आपको लॉयल्टी का 120% यानी 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। सर मैंने तो 11वां महीना किया था मई के अंदर, 11th मंथ था मेरा, या 8th मंथ था मेरा, या 9th मंथ था मेरा, 7 महीने से ज्यादा अगर मई में हो चुका है, 11वां महीना हो चुका है मई में, अब जब आप जून में करेंगे क्वालिफाई एलपीबी, तो जहां पहले आपको पूरे साल का 100% मिलना था और बाद के 6 महीने का 100%, 200% मिलना था, समीर सर ने आपको और ज्यादा दे दिया। पूरे साल का एवरेज का 100% तो मिलेगा ही, बाद के 6 महीने का 100% नहीं 120% मिलेगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जून में ज्यादा ज्वाइनिंग करवाकर आप अपने बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड पर लेकर जा सकते हैं। वेट मत कीजिएगा, प्रोग्राम 2 ही महीने के लिए, जून और जुलाई। और चूंकि जून में नया प्रोग्राम है, किसी कंपनी के पास नहीं है हिंदुस्तान में, तो आपके पास एकाधिकार है, आप इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा फायदा जून में उठा सकते हैं। और साथ ही साथ चूंकि जून में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा नए लोग सिस्टम में आएंगे, और बहुत सारे लोगों को तो आप लेकर आए हैं गोवा क्वालिफिकेशन में, जो 4 लोगों का स्ट्रक्चर आपने बनाया था, गोवा तो क्वालिफाई हो गया, अब उनकी मदद कैसे करेंगे? तो वो जो 4 लोगों की आपने ज्वाइनिंग करवाई थी, या आपकी टीम में वो लोग जो कभी 10% लेवल पर नहीं पहुंच पाए, या वो लोग जो जून में आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, पहली बार 10% करेंगे, हम उनको 10% क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 20% कम टारगेट देंगे, 20% लेस टारगेट पर वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आप अगर आप स्पॉन्सर हैं, आप 16% हैं, आप डायरेक्टर हैं, एनक्यूडी हैं, अपनी नॉन 16% लेवल पर 6 लोगों की मदद कीजिए, 6 लोगों को फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्वालिफाई करवाइए। आपको तो 5000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा ही, उनको भी मिलेगा। और अगर आपने, आप एसडी हैं, अपनी टीम में आपने 15 लोगों को एफएसपी क्वालिफाई करवा दिया, आप कोई भी टाइटल के लीडर है, लैग के अंदर आपने 15 लोगों की मदद कर दी 10% का एफएसपी फर्स्ट टाइम 10% अचीव करवाने में, फास्ट स्टार प्रोग्राम करवाने में। और ये कौन लोग हैं जो गोवा में आए थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में आपकी टीम में ज्वाइन किया था, ये वो लोग हैं जो जो गंगा की तरह बहकर इस महीने ज्वाइन कर रहे हैं जून के महीने में,
केवल 15 लोगों की मदद कर दी अगर आपने अपनी टीम में, एक लेग के अंदर आपकी लेग एलपीबी लेग बन जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इमेजिन द पावर यू हैव इन दिस मंथ, कितना आपके पास पावर है इस महीने में, और साथ में आपके पास ब्रह्मास्त्र ईपीवी का भी है। हमें मालूम है ईपीवी का वॉल्यूम फास्ट स्टार्ट 10% में काउंट नहीं होता, लेकिन टाइटल में तो काउंट होता है, एपीवी में तो काउंट होगा। आप एनक्यूडी आपके डायरेक्टर बनने में तो फायदा करेगा, आप किसी भी लेवल पे लीडर हैं, ईपीवी आपके टाइटल प्रोग्रेशन में तो काम करेगा। और जिन लोगों को ये पावर पता है, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने टाइटल प्रोग्रेस किए हैं, टाइटल जंप किए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आप भी अपने आप से पूछिए। लॉयल्टी एक्सप्रेस की पावर के साथ, जहां 2 महीने की ट्राई के साथ ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम जो 7%, 10%, 13%, 15% डायरेक्टर बेसिक लेवल पर लोगों की मदद करेगा टीम को बढ़ाने में, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर ज्यादा लोग रुकेंगे, लॉयल्टी कंप्लीट करेंगे, साथ में फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम जो न्यू ज्वाइनिंग को एक नया रास्ता देगी आगे बढ़ने के लिए, जो आपके टाइटल बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, और साथ में सॉलिड ईपीबी जो आपके टाइटल को प्रोग्रेस करवाएगा। अगर अभी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, अगर अभी मैं बिजनेस बढ़ा नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अगर इन सब चीजों का फायदा मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? इफ नॉट मी देन हु? अगर मैं ये फायदा नहीं उठाऊंगा तो कौन ये फायदा उठाएगा? और याद रखिएगा, ये ऑफर जून में है, लॉयल्टी एक्सप्रेस जून में आया है, ये जून में अप्लाई होगा, और केवल जून में ज्वाइन करने वाले लोगों के पास ही ये ऑप्शन होगा कि आप 2 महीने की ट्राई के साथ उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। इतना पावरफुल प्रोग्राम आज आपके पास जून में है। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं टाइटल प्रोग्रेस करूंगा आप फिर कभी फ्यूचर में, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आप गलती कर रहे हैं। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता, और रुपया कभी सोता नहीं है, पैसा कभी सोता नहीं है। तो समीर सर ने तिजोरी खोल दी है, आपको इतने पावरफुल प्रोग्राम दे दिए हैं, लॉयल्टी एक्सप्रेस जो जून में आपकी ज्वाइनिंग बढ़ाएगा, ज्यादा लोगों को रिटेन करेगा, फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम, केवल 6 लोगों की मदद कीजिए, 5,000 का गिफ्ट हैम्पर लीजिए, पीजीपीवी कंप्लीट कर लीजिए, 15 लोगों की मदद कीजिए लेग के अंदर, एलपीवी बना लीजिए, और ईपीवी के साथ टाइटल प्रोग्रेस कीजिए। अब टाइटल मेंटेन नहीं होगा, जून में टाइटल मेंटेन करने का प्लान मत कीजिए, जून में टाइटल जंप और प्रोग्रेस करने का प्लान कीजिए। जून में टाइटल मेंटेन करने की प्लानिंग डिफेंसिव प्लानिंग होगी, क्योंकि जून में वो होगा जो अभी कभी नहीं हुआ था, वो टाइटल आप करेंगे जो कभी नहीं हुआ था, वो रुपया आप कमाएंगे जून में, वो चेक आप लेंगे जो पहले कभी नहीं आया था, और वो होगा तभी जब आप एक चीज पर खास ख्याल रखेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, लॉयल्टी एक्सप्रेस में 2 महीने के विकल्प के साथ, इजी ऑप्शन के साथ ज्वाइन करवाने का मौका जून में है। ज्यादा ज्वाइनिंग जून में अगर करेंगे, हाथ खोल के टीम में ज्वाइन करवाएंगे, लोगों को लॉयल्टी एक्सप्रेस का फायदा समझाएंगे, उनको मदद करेंगे, और जो मार्केट में लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं उन तक पहुंचेंगे, तो आप जून में वो इनकम कमाएंगे जो आपने कभी नहीं कमाई थी, वो रुपया कमाएंगे, वो टाइटल करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस पावरफुल प्रोग्राम, पावर पैक कॉम्बिनेशन के साथ, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डोंट वेट, जस्ट डू इट। अब करिए और करके दिखाइए और जीत कर दिखाइए। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं इस टीम को जानता हूं, ये शेरों की टीम है, मौके का फायदा उठाएगी, चूकेगी नहीं,
और जून में अनएक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग का फायदा उठाएगी लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के साथ, और वो इनकम कमाएगी जो कभी नहीं आई, वो टाइटल करेगी जो टाइटल ड्रीम टाइटल है, हाईएस्ट एवर टाइटल है, और रोकड़ा कमाएगी, घर में खुशियां लाएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप बहुत बढ़िया काम करें, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करें, जून में बहुत रुपया कमाएं, आपके परिवार में खुशियां आए, सब सेफ रहें और एंजॉय करें, और बहुत जल्दी आप और हम गोवा में मिलने वाले हैं, फिर वहां बैठकर नोनी पीकर भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। एंड नाउ हैंड ओवर बैक टू मिस्टर हरीश जी। थैंक यू सो मच। So over to Harish sir. Harish sir. So I think there's some network challenge with Harish ji. Munish ji, please help us to conclude so that our message can. So thank you so very much, Dushyant sir. आपने बहुत ही ज़्यादा details से भी examples आपने ये 100% प्रूव कर दिया सर, अगर एक्सप्रेस लॉयल्टी को और एफएसबी धमाके को प्रमोट किया जाए तो डेफिनेटली ये महीना आज तक का हमारा सबसे बड़ा महीना होने वाला है, और बड़े महीने के साथ साथ बड़े चेक भी आने वाले हैं। तो मैं आपको सर अपनी टीम के बिहाफ पे विश्वास दिलाता हूँ सर, हमारी टीम 2021 का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखाएगी इस महीने। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं मुनीश सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं शक्ति जी, गुरमेल जी, ऑल द लीडर, विवेक शर्मा जी, गगन जी, मैं समय की वजह से नाम नहीं ले पाऊंगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फायर कर दीजिए न्यू ज्वाइनिंग का। जून का महीना ही 2 महीने का विकल्प लेकर आएगा, इजी ऑप्शन के साथ लोगों को लेकर आइए। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरी जी।